थोडालाइट, थोडालाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोडालाइट से क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है थोडालाइट। थोडालाइट के अंदर देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, थोडालाइट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो क्या क्या पूछा जाता है थोडालाइट में आपसे। थोडालाइट में आपसे पूछा जाता है सबसे पहले तो थोडालाइट के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल, कैसा थोडालाइट होता है, ठीक है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, कौन सा पार्ट कहां पे होता है, ठीक है, ये आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए, ठीक है। पहला तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके बाद में थोडालाइट से कैसे रीडिंग मेजर करी जाती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, जब ट्रावर्सिंग करते हैं तो भी आपको थोडालाइट आना चाहिए, क्योंकि ट्रावर्सिंग के अंदर अभी देखा अपन ने थोडालाइट का कितना यूज था, है ना, अपर क्लैंप, लोअर क्लैंप, टेंजेंट स्क्रू, ये सारे थोडालाइट के ही पार्ट है ना, किसके पार्ट है सारे, थोडालाइट के ही पार्ट है, तो आपको वैसे भी आना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे, आगे देखते हैं थोडालाइट। देखो थोडालाइट अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अब थोडालाइट जो चैप्टर है इसके अंदर सबसे पहले तो अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि थोडालाइट क्या होता है, ठीक है, क्यों थोडालाइट को काम में लिया जाता है ना, तो सबसे पहले तो अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। सबसे पहले अपन क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले लेंगे अपन इंट्रोडक्शन, देखो द थोडालाइट इज द मोस्ट प्रिसाइजली इंस्ट्रूमेंट, ये काम में लिया जाता है आज। वैसे तो टोटल स्टेशन आजकल ये एक तरह से सबका कॉम्बिनेशन हो गया, उसके अंदर थोडालाइट, कंपास, तो थोड़ा वैसे तो टोटल स्टेशन काम में लिया जाता है, बट अगर टोटल स्टेशन नहीं होता है उस केस में थोडालाइट सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। टोटल स्टेशन तो क्या एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके अंदर सारे सब कुछ आ गए, उसके अंदर उसे आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, उसे ओरिजोनटल, वर्टिकल एंगल, ठीक है, सब कुछ आप उसके हेल्प से मेजर कर सकते हो। देखो द थोडालाइट इज द थोडालाइट, द थोडालाइट इज द थोडालाइट इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, इज द मोस्ट, द थोडालाइट इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, द थोडालाइट इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, डिजाइंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, डिजाइंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, द थोडालाइट इज द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, किसके मेजरमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, डिजाइन फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स, किसके लिए काम में लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन इसका ये पहले, फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हेल्प से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करे जाते हैं, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया थोड़ा सा। थोडालाइट आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांजिट थोडालाइट, एक नॉन ट्रांजिट थोडालाइट, ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ थोडालाइट, देर आर टू टाइप्स ऑफ, देर आर टू टाइप्स ऑफ थोडालाइट, दो टाइप की थोडालाइट है, पहला कौन सा है, ट्रांजिट थोडालाइट, पहला कौन सा है, ट्रांजिट थोडालाइट, दूसरा कौन सा है, नॉन ट्रांजिट थोडालाइट,
दूसरा कौन सा है? नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट। पहला हो गया ट्रांजिट थोडोलाइट एंड सेकेंड हो गया आपका नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट। ठीक है, अब देखो थोडोलाइट क्या होता है, आपका मोस्ट प्रिसाइजली इंस्ट्रूमेंट है। पहला पॉइंट देखा, दूसरा देखा अपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजर करे जाते हैं। दो टाइप के थोडोलाइट होते हैं, ट्रांजिट थोडोलाइट एंड दूसरा कौन सा है, नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट। दूसरा कौन सा है? नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट आपका है ना। ठीक है, अब ट्रांजिट थोडोलाइट और नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट इसको देखते हैं अपन कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। ठीक है, दो टाइप के आपके थोडोलाइट है, ट्रांजिट एंड नॉन ट्रांजिट। फर्स्ट देखते हैं अपन, फर्स्ट देखो इसके अंदर ट्रांजिट थोडोलाइट किसको बोलते हैं मतलब ऐसा थोडोलाइट जिसमें लाइन, जैसे ये थोडोलाइट है, इसकी लाइन ऑफ साइट है। अगर लाइन ऑफ साइट 180 डिग्री से अगर इसको आप रोटेट कर सकते हो, है ना, 180 डिग्री से इसे। ठीक है, कौन से प्लेन के अंदर? इस प्लेन के अंदर। अगर 180 डिग्री से अगर आप इसको रोटेट कर सकते हो तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिट थोडोलाइट। अगर नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट, है ना। सो दो टाइप के आपके यहां पे थोडोलाइट है। पहला देखो, एक ट्रांजिट थोडोलाइट और इसको क्या बोला जाता है? सिंपली ट्रांजिट बोला जाता है। ए ट्रांजिट थोडोलाइट, ए ट्रांजिट थोडोलाइट, ए ट्रांजिट थोडोलाइट, उसको क्या बोला जाता है? सिंपली ट्रांजिट और सिंपली ट्रांजिट, और क्या बोला जाता है? सिंपली ट्रांजिट इज वन विच द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय, इज विच द लाइन ऑफ साइट, इज विच द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाई, लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाई रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू, रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप, रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन, इन द वर्टिकल प्लेन। देखो बहुत सिंपल है ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट में, मतलब ये जो टोटल लाइट है ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, टोटल लाइट की, है ना। लाइन ऑफ साइट कुछ ही नहीं है, टेलीस्कोप से आप देख रहे हो और रीडिंग ले रहे हो सामने, तो ये जो लाइन है सामने जो जाएगी आपकी, आपको दिखेगी नहीं लाइन, ये है ना जो इमेजिनरी लाइन है ना, ये यही क्या रहती है? लाइन ऑफ साइट रहती है। अगर इस लाइन ऑफ साइट को जैसे मान लो पहले ऐसे है, आप इसको रोटेट करके ऐसे कर देते हो, अगर ऐसे हो जाती है थोड़ी लाइट के अंदर, या आप ऐसे बोलो टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप आपका अगर ऐसे है पहले, अगर ये वर्टिकल प्लेन, ये प्लेन वर्टिकल है ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल प्लेन में अगर ये 180 डिग्री से रोटेट हो जाता है इसे, तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिट थोडोलाइट बोला जाता है। सिंपल है, आगे चलिए। कौन से थोडोलाइट है? नॉन ट्रांजिट। नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट आर आइदर प्लेन थोडोलाइट और वाई थोडोलाइट, आर आइदर प्लेन थोडोलाइट, आर आइदर प्लेन थोडोलाइट और वाई थोडोलाइट,
ठीक है, आ रहा इधर प्लेन थोडोलाइट और वाई थोडोलाइट, ये नाम ध्यान रखिए आप, इस नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं। नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट को क्या बोला जाता है, वाई थोडोलाइट और प्लेन थोडोलाइट, वाई थोडोलाइट और प्लेन थोडोलाइट इसको बोला जाता है। एनविच टेलीस्कोप, एनविच टेलीस्कोप कैन नॉट बी ट्रांजिटेड, एनविच टेलीस्कोप कैन नॉट बी ट्रांजिटेड, कैन नॉट बी ट्रांजिटेड। ठीक है, जिसके अंदर 180 डिग्री से रोटेट ना हो, मतलब ट्रांजिटेड का मतलब यही हो गया 180 डिग्री। अब देखो इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट काम में नहीं लिया जाता है। कौन सा थोडोलाइट काम में लिया जाता है, ट्रांजिट थोडोलाइट काम में लिया जाता है। तो ये एक तरह से ऑब्सोलीट हो चुका है, ये लुप्त हो चुका है। ठीक है, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट, नॉन ट्रांजिट थोडोलाइट ऑब्सोलीट, हैज बीन ऑब्सोलीट, मतलब ये लुप्त हो चुका है, अब काम में नहीं आता है। ठीक है, नहीं काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्या, अगर अपन बात करते हैं ना ठीक है, अपन बात करेंगे पार्ट्स की, कि कौन कौन से पार्ट्स है थोडोलाइट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। द एसेंशियल्स ऑफ द थोडोलाइट या फिर पार्ट्स ऑफ द थोडोलाइट, इसके अपन बात करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको क्या है, द एसेंशियल्स, द एसेंशियल्स ऑफ द ट्रांजिट थोडोलाइट या फिर पार्ट्स, द एसेंशियल्स ऑफ, द एसेंशियल्स ऑफ ट्रांजिट थोडोलाइट, द एसेंशियल्स ऑफ ट्रांजिट थोडोलाइट, एसेंशियल्स क्या है इसके, पार्ट्स, एसेंशियल्स क्या है इसके, पार्ट्स। एसेंशियल्स या फिर पार्ट्स ऑफ थोडोलाइट है ना, इसको अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं यहां पे आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगा थोडोलाइट का, थोडोलाइट का मैं आपको यहां पे डायग्राम बना के भी समझाऊंगा। पहले अपन एक एक इसके पार्ट्स देखते हैं है ना। पहला देखो, फर्स्ट अपन देखते हैं द टेलीस्कोप, दूरबीन। पहला क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप दूरबीन, टेलीस्कोप दूरबीन, इसको अपन देखते हैं। ठीक है, अभी अपन डायग्राम देखेंगे ना, वहां पे सारे वहां से और चीजें क्लियर होगी। अभी मैं पार्ट देख रहा हूं, इसके कौन कौन से पार्ट्स है। ठीक है, सो पहला अपन देख रहे हैं टेलीस्कोप, जो दूरबीन लगी होती है, जिसे अपन आगे लाइन ऑफ साइट आपकी ओरिएंट होती जाएगी किसी स्टेशन से, वो किससे होती है, टेलीस्कोप से। पहला देखो टेलीस्कोप क्या है, द टेलीस्कोप, द टेलीस्कोप इज, द टेलीस्कोप इज एन एंटिकल पार्ट, द टेलीस्कोप इज टेलीस्कोप क्या होगा आपका, द टेलीस्कोप इज एन एंटिकल पार्ट, एंटिकल पार्ट ऑफ द थोडोलाइट, 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 एंड इज माउंटेड ऑन ए स्पिंडल, एंड इज माउंटेड, एंड इज माउंटेड ऑन ए स्पिंडल। एंड इज माउंटेड ऑन ए स्पिंडल नॉन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टर्नियर एक्सिस,
माउंटेड ऑन ए स्पिंडल नॉन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नॉन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नॉन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टर्निंग ऑन एक्सिस, टर्न यूनियन एक्सिस भी इसको बोला जाता है, टर्न यूनियन एक्सिस। नाम ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टर्न यूनियन एक्सिस। अब देखो यहां पे टेलीस्कोप, अब मैं दिखाऊंगा ना डायग्राम बना के, उसमें वन जहां पे लिखूंगा मतलब यहां पे टेलीस्कोप है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टर्न यूनियन एक्सिस है ना, यहां मैं दो लिख रहा हूं, इसका मतलब वहां पे नंबर लिखूंगा मैं डायग्राम में, ये दो नंबर पे गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टर्न यूनियन एक्सिस, टेलीस्कोप पहले नंबर पे, ठीक है। द टेलीस्कोप मे बी, द टेलीस्कोप, द टेलीस्कोप मे बी इंटरनल फोकसिंग टाइप और एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप। देखो ये इतना होनी है, दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, इंटरनल फोकसिंग और एक्सटर्नल फोकसिंग, जनरली इंटरनल फोकसिंग ही होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे टेलीस्कोप पहला अपने देखा है, टेलीस्कोप क्या रहता है, एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते थोड़ा लाइट से, मतलब उसी के साथ में उसकी जो कंस्ट्रक्ट उसको जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में उसी के साथ में उसको, ऐसा नहीं कि बाहर से सब थ्योरोलाइट बनने के बाद में फिर उसको लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, इसका इंटीग्रेटेड पार्ट है, इसका इंटीग्रल पार्ट है। एंड अब वो कहां पे लगा होता है, एंड इज माउंटेड, एंड इज माउंटेड ऑन ए स्पिंडल, एक स्पिंडल के ऊपर माउंटेड होता है, और उस स्पिंडल को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टर्न यूनियन एक्सिस। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.